गुड मॉर्निंग बच्चों, एक नए सेशन के साथ, नई शुरुआत के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दिस इज संतोष श्रीवास्तव एंड टुडे वी हैव अ न्यू टॉपिक। एज यू कैन सी देयर 2411 केसेस इन हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक मींस कोरोनास इफेक्ट हैज बीन इंक्रीजिंग एंड इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड एज इट सीम्स। In this article, you can say, because I have taken it from the Hindu. So in this article, the writer informs us that the corona is regularly spreading, And today, the worst situation is what? That 2411 cases in highest single day spike can be seen. So we can say that the editorial or the article is going to be based again on corona. It is so based on something else like antibiotics and a kind of you can say vaccine or you can say drug that is going to be used named Ebola. Ebola drug remdesivir, this is the name perhaps. So the writer is in favor that there are number of persons who are taking antibiotics. They are taking antibiotics as if it were helpful for them. But they must know that it is not going to be useful or helpful or beneficial, as it is for a different kind of disease or it is for a different kind of term. They will have to use something different, for which Indian government is going to agree, with the statement of the US. Yani, US ne kaha hua hai ki wo Ebola drug jo hai, jo remdesivir ke naam se hai, wo use karne cha. To jo India hai, wo bhi usko use karne cha raha hai. Aur Indian government jo hai, wo yahan ke logon se appeal kar rahi hai ki unhein antibiotics to nahi lena chahiye. Kyun nahi lena chahiye? Kyunki ye unke liye labhdayak नहीं होने जा रहा है। ओके, लेट्स बिगिन दिस एडिटोरियल और आर्टिकल, बट फर्स्ट वी हैव टू सी अवर वर्ड्स। दिस इज माय चिल्ड्रन। ओके, फर्स्ट वर्ड इज स्पाइक, व्हिच इज यूज्ड वेरी ऑफन, एंड यू नो स्पाइक इन प्राइसेस, यू हैव परहैप्स यू मस्ट हैव रेड। तो स्पाइक मींस किसी चीज के प्रवाह में क्षणिक परिवर्तन, एक तरह से उछाल कह सकते हैं आप। स्पाइक में प्राइसेस वगैरह में स्पाइक आता है, मीन्स एक प्रकार का उछाल आता है। नेक्स्ट वर्ड है स्टेट। स्टेट आप समझते होंगे अवस्था को कहते हैं। हम यहां अगर कहें तो ये वाक्य हम पढ़ दे रहे हैं स्पाइक के सेंस में। वी कैन सी द ऑयल प्राइसेस, ऑयल प्राइस स्पाइक। हम देख सकते हैं कि ऑयल प्राइस में एक स्पाइक आ रहा है, उछाल आ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेट, वेरी कॉमन वर्ड बट इज गिवन। स्टेट मीन्स कहना, कथन कहना या अभिव्यक्त करना। ओके, जजेस मस्ट गिव बोथ साइड्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्टेट देयर केस। यानी जजेस को दोनों ही पक्षों को बराबर का मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी बात रख सकें, कह सकें, वो अभिव्यक्त कर सकें। वो नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, प्रिस्क्राइब। ये भी आप जानते हैं, जरूर जानते होंगे। ज्यादातर दवाएं तो जो की जाती हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं, और आपका कोर्स जो होता है वो भी प्रिस्क्राइब होता है। तो प्रिस्क्राइब यू कैन अंडरस्टैंड निर्धारित करना किसी चीज को। हर डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड स्लीपिंग टैबलेट्स, यानी उसके डॉक्टर ने स्लीपिंग टैबलेट्स को प्रिस्क्राइब कर निर्धारित किया या उसको रेकमेंड किया। नेक्स्ट वर्ड भी आप बिल्कुल इजी है, जानते हैं, अल्टरनेटिव है, मीन्स जो विकल्प होता है वैकल्पिक, वो आपका अल्टरनेटिव होता है आपका। द वेरियस अल्टरनेटिव मेथड्स फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, द वेरियस अल्टरनेटिव मेथड्स, बहुत सारे वैकल्पिक विषय हैं फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, इन मामलों को, इन विवादों को क्या करने के लिए, निपटाने के लिए, उनका समाधान निकालने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज बिफोर यू एटिकेट। ये भी आप जानते होंगे कुछ बच्चे आप में, हमारा आपका एक एटिकेट होता है, मीन्स एक शिष्टाचार होता है। जैसे मैं आपको एक करंट एग्जांपल दे रहा हूं,
जैसे यू आर सिटिंग बिफोर समवन, आप किसी के सामने बैठे हुए हैं एंड सडनली यू बिगिन कफिंग, आप तुरंत खांसना शुरू कर देते हैं, दिस इज नॉट योर एटिकेट, ये आपका एटिकेट नहीं, ओके? एटिकेट क्या है, आप पहले तो बचें, और इफ यू आर फोर्स्ड टू कफ, अगर आप खांसने के लिए बाध्य ही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, हाइड करना चाहिए, ड्रॉपलेट्स को उनके सामने नहीं गिराना चाहिए आपको। तो एटिकेट में शिष्टाचार। नेक्स्ट वर्ड है रीइटरेट। रीइटरेट मीन्स किसी चीज को दोहराना, यहां दोहराया लिखा है, दोहराना। और यहां पहले मैं वाक्य पढ़ दे रहा हूं, द रूल्स ऑफ एटिकेट आर चेंजिंग, यानी शिष्टाचार के जो नियम हैं वो क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, कि अब बेटा जो है बैठा रहता है और जो पिता है वो क्या रहता है, खड़ा रहता है। दिस इज एटिकेट चेंजिंग, यू कैन से। नेक्स्ट वर्ड रीइटरेट मीन्स दोहराना। शी रीइटरेटेड, उसने फिर से दोहराया, दैट की द गवर्नमेंट वुड रिमेन स्टीडफास्ट, कि जो सरकार है वो दृढ़ रहेगी, स्थिर रहेगी इन इट्स सपोर्ट, अपने समर्थन में। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वर्ड, दिस इज माइल्ड, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी वर्ड, माइल्ड मीन्स हल्का। जैसे शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा, इन माइल्ड सरप्राइज, हल्के आश्चर्य। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेस्पिरेटरी। आप शायद जानते होंगे, मैं कुछ वर्ड्स यहां लिख दे रहा हूं बच्चों, जो इससे वर्ड से मिलता जुलता, बस है, इसकी मीनिंग नहीं है, मिलता जुलता है। जैसे ये वर्ड आप जानते हैं, एस्पायर, कंस्पायर, रेस्पायर, इंस्पायर, है ना। एस्पायर आकांक्षा करना, चाहत रखना, इच्छा रखना, कंस्पायर साजिश करना, षड्यंत्र करना, रेस्पायर सांस लेना, और इंस्पायर प्रेरित करना। ओके, तो इसी आपका रेस्पायर से रेस्पिरेटरी बना है, मैं श्वास या प्रश्वास संबंधी, मीन श्वसन क्रिया से संबंधित। दीज मसल्स एक्ट सो एज टू, यानी मसल्स एक्ट करते हैं एज टू पंप द ब्लड, ताकि वो ब्लड को पंप कर सकें थ्रू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, श्वसन अंगों के द्वारा वो ब्लड को पंप कर सकें, इसलिए ये मसल्स क्या करती हैं, कार्य करती हैं। ओके, तो रेस्पिरेटरी श्वसन क्रिया से संबंधित। नेक्स्ट वर्ड्स आपके पास है एक्सपेल। आप जानते होंगे जब किसी को जॉब से निकाल दिया जाता है तो उसे डिसमिस कर दिया जाता है या टर्मिनेट कर दिया जाता है। जब किसी क्रिमिनल को देश से बाहर किया जाता है तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन उसी क्रिमिनल को अगर तड़ी पार किया जाए, मीन्स कुछ एक महीनों के लिए अपने शहर, मीन्स अपने जिले या राज्य से बाहर कर दिया जाए, तो उसे बैनिश कर दिया जाता है। अगर किसी को वनवास पर, जैसे रामचंद्र जी को भेजा गया था, वनवास पे भेजा जाता है एक फिक्स्ड डेट के साथ, तो फिर वो एक्साइल पर भेज दिया जाता है। अगर कोई बदमाशी कर रहा है, कोई बच्चा जो है क्लास वगैरह में, तो उसे अगर बाहर भेजा जाता है, निकाला जाता है क्लास से, तो उसे एक्सपेल कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक्सपेल मीन्स निष्कासित कर देना। शी एक्सपेल्ड अ शडरिंग ब्रेथ, यहां क्या निष्कासित किया उसने, एक थरथराती हुई सांस उसने बाहर निकाली, मीन्स गहरी सांस ली उसने, तो एक्सपेल निष्कासित कर देना। नेक्स्ट वर्ड है कंजेस्ट। अक्सर आपने कहा, सुना होगा, यहां पे कंजेशन बहुत है, मीन्स यहां क्या है, बहुत ज्यादा घुटन, एक तरह से चीजें बहुत ज्यादा क्या है, ढेर लगी हुई है। कंजेस्ट वर्ब के रूप में है बच्चों, कंजेस्ट मीन्स ढेर लगना। कह रहे इफ योर स्किन इज कंजेस्टेड, यदि आपकी स्किन कंजेस्टेड हो जाती है, परहैप्स ट्राई एक्सफोलिएटिंग एसिड्स सच एज ग्लाइकोलिक एंड लैक्टिक एसिड इंस्टेड, तो बदले में आपको ग्लाइकोलिक और लैक्टिक एसिड का क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, अगर आपकी स्किन कंजेस्टेड हो जाती, मीन्स सिकुड़ जाती है। और ये लास्ट वर्ड है बच्चों आपका सोर। सोर क्या होता है, एक पीड़ादायक कोई व्यक्ति या कोई चीज। तो शी हैड अ सोर थ्रोट, यानी उसके गले में क्या थी, प्यार था, तो उसका जो गला था उसके लिए पीड़ा उत्पन्न कर रहा था। तो सोर मीन्स पीड़ादायक, कष्टदायक। ओके, ये जल्दीबाजी मैंने इसलिए पढ़ा बच्चों को, अब धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि
जो इसका पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर रेगुलर डाल दिया जाए, देर सवेर हो सकती है बट पढ़ जाएगा, और आप वहां से ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ें और यहां हम एडिटोरियल को और ज्यादा फोकस कर सकें। ये देख लें एक चीज मेरी जो मैं जोड़ता आ रहा हूं, ग्रामर टिप मेरी देख लें। यहां मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कभी भी अगर अ फ्यू है, फ्यू है या द फ्यू है तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन लें और वर्ब भी क्या होगी आपकी प्लूरल होगी। लेकिन अगर इसके विपरीत अ लिटिल हो, लिटिल हो या द लिटिल हो तो आपको अनकाउंटेबल नाउन लेना होगा और वर्ब भी क्या रखनी होगी, सिंगुलर रखनी होगी। एग्जाम्पल्स मैंने सबके दिए, शी हैज अ फ्यू, अ फ्यू है ना, तो यहां बुक्स आ गया, प्लूरल नाउन आ गया। आई हैव फ्यू पेन्स, फ्यू है ना तो पेन्स प्लूरल आ गया। दे हैव लिटिल, लिटिल है ना तो वाटर अनकाउंटेबल आ गया। वी हैव अ लिटिल मनी, और लिटिल है ना तो मनी अनकाउंटेबल आ गया। आपके मन में बच्चों आया होगा सर ने इसकी वर्ब से संबंधित नहीं समझाया, मैं फिर से समझा दे रहा हूं, देख लें। मैं आपको फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू तीनों के एग्जांपल्स दे रहा हूं। फ्यू बुक्स आर नीडेड, सही ना, आर लिया मैंने फ्यू के साथ, अ फ्यू चिल्ड्रेन कुड बी सीन, चलिए कुड हटा दें बल्कि हम आपको आर दे रहे हैं, आर और बी हटा दें, आर सीन, देखें अ फ्यू के साथ चिल्ड्रन लिया और प्लूरल वर्ब ली आर, द फ्यू बुक्स यू हैव आर गुड है। यहां भी मैंने क्या लिया आपको, द फ्यू के साथ बुक्स लिया और हैव लिया प्लूरल लिया। ऐसे ही लिटिल और लिटिल का देख लें, लिटिल सुगर इज हियर, न के बराबर चीनी है यहां पे, सिंगुलर नाउन मतलब अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब, अ लिटिल वाटर इज देयर, अ लिटिल के साथ वाटर अनकाउंटेबल और दे इज सिंगुलर, और ये द लिटिल भी देख लें आप, द लिटिल मनी यू हैव इज एनफ। ओके, आपने देखा होगा जहां मैंने द फ्यू लिया या द लिटिल लिया बच्चों ना, वहां मैंने एडजेक्टिव क्लॉज ली, यू हैव जो आपके पास है। जब भी आपको द फ्यू या द लिटिल लेना हो तो ध्यान देख लें कि क्या वहां पे कोई अन्य क्लास एडजेक्टिव क्लास के रूप में है जिसके हिंदी नॉर्मली जो से निकल रही होगी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं एडिटोरियल का अपना या आर्टिकल का सिस्टम आज का जो हमको पढ़ना है। एक्चुअली द हिंदू का ही एक मास मैंने लिया इसको, देखें बच्चे 2411 केसेस यानी 2411 मामले हैं इन हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक, जो कि आज तक यानी अभी तक सबसे अधिक एक दिन में इतने मरीजों की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, स्पाइक हुई यानी परिवर्तन आया। तो 2411 केस का, ओके देखते हैं। अ सीनियर ICMR ऑफिशियल सेड, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है। तो उस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक सीनियर ऑफिशियल ने, ऑफिशियल मीन्स होता है अधिकारी बच्चे, एक सीनियर ऑफिशियल ने सेड कहा ऑन सैटरडे, देखे है ना, जैसे ही सैटरडे आपने देखा दिन का नाम उसके पहले क्या लगाया आपने, ऑन लगा दिया। तो सैटरडे को एक सीनियर ऑफिसर ने जो ICMR के थे उन्होंने कहा दैट कि इंडिया इज फॉलोइंग, फॉलो मीन्स मानना अनुसरण करना, इंडिया इज फॉलोइंग द यूनाइटेड स्टेट्स डिसीजन, यानी इंडिया जो है वो अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्णय को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, मान रहा है। कौन सा निर्णय, टू परमिट द इमरजेंसी यूज ऑफ इबोला ड्रग
रेमडेसिविर फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स विद कोविड 19। फिर से देख लें, यानी आईसीएमआर के एक अधिकारी ने कहा सैटरडे को दैट की इंडिया इज फॉलोइंग द यूनाइटेड स्टेट्स डिसीजन, भारत अमेरिका के निर्णय को मान रहा है। कौन सा निर्णय? टू परमिट द इमरजेंसी यूज ऑफ इबोला ड्रग, कि इबोला ड्रग का जो इमरजेंसी यूज है यानी बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर जो यूज किया जाता है वो यूज करने की जो अनुमति मिली है अमेरिका के इस निर्णय को भारत क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। इबोला ड्रग कौन सी इबोला ड्रग? रेमडेसिविर फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स, और ये किस लिए है? उन मरीजों का इलाज करने के लिए विद कोविड 19, जो मरीज किसके हैं? कोविड 19 के हैं। मैं चाहूंगा बच्चों फिर से देख लें आप, देख अ सीनियर आईसीएमआर ऑफिशियल सेड, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा ऑन सैटरडे, कब कहा? सैटरडे को। जब भी कब, क्यों, कैसे, कहां वगैरह का जवाब आपको मिले तो वो एडवर्ब या एडवर्बियल कहलाता, ठीक है? या ऑन सैटरडे जो है वो यहां एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो अ सीनियर आईसीएमआर ऑफिसर सेड ऑन सैटरडे दैट, ये दैट कंजंक्शन हो गया, इंडिया इज फॉलोइंग, देश जो है वो आपका सिंगुलर यूज होता है इस सेंस में, इंडिया इज फॉलोइंग, भारत जो है वो मान रहा है द यूनाइटेड स्टेट्स डिसीजन, अमेरिका के निर्णय को, टू परमिट, क्या करने के लिए? अनुमति देने के लिए द इमरजेंसी यूज ऑफ इबोला ड्रग रेमडेसिविर, यानी इबोला ड्रग जो रेमडेसिविर है उसका इमरजेंसी यूज की के लिए परमिट देने का जो अमेरिका का निर्णय है वो भारत क्या करने जा रहा है, क्या कर रहा है? मान रहा है फॉर ट्रीटिंग, और इबोला ड्रग रेमडेसिविर किस लिए है? फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स विद कोविड 19, ताकि उन कोविड 19 के पेशेंट्स का क्या किया जा सके? इलाज किया जा सके, ठीक है? इट इज अ डेवलपमेंट, यानी यह एक ऐसा विकास, ऐसी प्रक्रिया इस समय है, विच, देखिए डेवलपमेंट के लिए विच है तो इज लगाया गया, विच इज बीइंग फॉलोड, पैसिव है बच्चों, इज प्लस बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, पैसिव यानी कर नहीं रहे, हो रहा है, किया जा रहा है। इट इज अ डेवलपमेंट विच इज बीइंग फॉलोड across the world, यानी एक ऐसी चीज है, ऐसी एक डेवलपमेंट है जो across the world, across the world, across the country means पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे देश में being followed, क्या किया जा रहा है? इसे follow किया जा रहा है, माना जा रहा है, and or India is no exception, not exception नहीं बच्चों, India is no exception, और भारत भी इसका क्या नहीं, कोई अपवाद नहीं है। He said, उन्होंने कहा, किसने कहा? A senior official ने कहा, okay? Okay, बच्चे, easy, देखें। The Union Health Ministry, meanwhile, मैंने कहा था कि जब भी दो कॉमा के बीच में कोई शब्द हो तो उसे पहले पढ़ते हैं। Meanwhile means इस बीच, क्या होता है? इस बीच the Union Health Ministry, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, हैज कॉशनड अगेंस्ट, कॉशन अगेंस्ट क्या होता है बच्चों? चेतावनी देना, हैज कॉशनड अगेंस्ट, उसने चेतावनी दी है द अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स समझते होंगे, रोग प्रतिरोधक दवाएं, और अब्यूज मीन्स दुरुपयोग होता है, ठीक है? यानी द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज कॉशनड अगेंस्ट द abuse of antibiotics, यानी उसने antibiotics के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है, to treat the coronavirus infection, किस चीज के लिए? कि जो antibiotics है ये coronavirus के संक्रमण के लिए, to treat, क्या नहीं, कोई इसका इलाज नहीं है, stating, ये कहते हुए that की these do not work, कि ये जो antibiotics है ये क्या नहीं करती है, कार्य नहीं करती है। इट मीन्स इंडियन गवर्नमेंट हैज सजेस्टेड, यू कैन से सजेस्टेड टू द पीपल ऑफ इंडिया दैट दे शुड नॉट यूज एंटीबायोटिक्स एज इट इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल फॉर देम। ओके डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस, क्योंकि वो एंटीबायोटिक्स वायरसेस के खिलाफ कोई कार्य नहीं करते हैं।
दे वनली वर्क ऑन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फिर ये एंटीबायोटिक्स काम किस पे करते हैं, जो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होते हैं उस पर काम करते हैं। COVID-19 इज कॉज्ड बाय अ वायरस, और COVID-19 बैक्टीरिया से नहीं हो रहा है, वायरस से हो रहा है। सो इसलिए एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क, इसलिए वो एंटीबायोटिक्स क्या नहीं करती, उन पर कोई कार्य नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी, जैसे शुड नॉट बी देखा आपने ना, तो पैसिव का दिमाग में आ जाना चाहिए आपको, इसका मतलब एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे बच्चों, एंटीबायोटिक्स पर वो कार्य किया जाए। एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी यूज्ड, है ना, देखिए पैसिव वॉश, यानी एंटीबायोटिक्स का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए एज अ मींस, मींस मींस साधन यहां पर बच्चों, ठीक है, यहां मींस मींस आय का नहीं मतलब है, मींस मींस साधन। जब मींस का प्रयोग साधन के रूप में हो तो वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन जब मींस का प्रयोग आय के अर्थ में होता है तो वो केवल प्लूरल होता है। देखें फिर से, एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी यूज्ड, यानी एंटीबायोटिक्स का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए एज अ मींस ऑफ प्रिवेंशन, रोकथाम के माध्यम के लिए, और ट्रीटमेंट या इलाज के माध्यम के लिए ऑफ COVID-19, किस चीज के रोकथाम या इलाज, COVID-19। दे शुड ओनली बी यूज्ड, यानी उनका उपयोग केवल तभी, यहां भी देखिए पैसिव वॉश बच्चों, दे शुड ओनली बी यूज्ड, उनका उपयोग तभी किया जा सकता है एज अ, या किया जाना चाहिए एज अ डायरेक्टेड बाय अ फिजिशियन, जब किसी फिजिशियन ने आपको, डॉक्टर ने सलाह दी हो, निर्देश दिया हो टू ट्रीट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और वो डॉक्टर कब ऐसी सलाह देगा आपको, जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, मींस बैक्टीरिया संक्रमण हो आपको, ठीक है, समझ में आ गया, इजी लाइन है बच्चों। द मिनिस्ट्री सेड, ऐसा किसने कहा, मंत्रालय ने कहा, यूज ऑफ पीपीई, पीपीई समझते होंगे बच्चों, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, तो यूज ऑफ पीपीई, ये प्लूरल इसका बनाया गया, एडिशनल गाइडलाइंस ऑन रैशनड यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई हैव आल्सो बीन इशूड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री, एडिंग दैट, पहले यहां से देख लें बच्चों, देख, यूज ऑफ पीपीईज, यानी कि जो पीपीईज का यूज है, एडिशनल गाइडलाइंस, यानी पीपीईज का जो एडिशनल गाइडलाइंस है, यानी जो अतिरिक्त जानकारियां दी गई हैं, निर्देश दिए गए हैं, ऑन रैशनड यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कि किस तरीके से उसका सही तरीके से उपयोग करना है, हैव, वो एडिशनल गाइडलाइंस हैव आल्सो बीन इशूड, क्या की गई है, वो इशूड की गई, जारी की गई है By the health ministry, किसके द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, adding that, जिसमें यह भी जोड़ा गया है कि prescribed standard precautions, कि जो निर्धारित मानक के रूप में precautions हैं, means सावधानियां हैं, are to be followed, ये भी passive है, are to be plus verb की third form, to be followed, कि उन्हें भी follow करना है, मानना है, at all times, हर समय, बाई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इनके द्वारा, स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा। पीपीईज आर नॉट अल्टरनेटिव, यानी पीपीई जो है वो विकल्प नहीं है टू बेसिक प्रिवेंटिव पब्लिक हेल्थ मेजर्स, किस चीज के वो विकल्प नहीं है, टू बेसिक प्रिवेंटिव पब्लिक हेल्थ मेजर्स, यानी जो हमारे मूल यानी आधारभूत प्रिवेंटिव पब्लिक हेल्थ मेजर्स, यानी वो उपाय जिनसे पब्लिक हेल्थ को आप प्रिवेंटिव कर सकते हैं, अर्थात उसे बेहतर बनाए रख सकते हैं, सच एज, जैसे कि हैंड हाइजीन, जैसे हाथ वगैरह की आपकी सफाई, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, यानी श्वसन से संबंधित जो एटिकेट्स हैं, कि आपको किसी के सामने कफ नहीं करना चाहिए, खांसना नहीं चाहिए, विच मस्ट बी फॉलोड, जिसे हर हाल में फॉलो करना है, एट ऑल टाइम्स, हर समय, टीचर पढ़ाते समय जानता है वो कहां पे आपको मुसीबत कर रहा है। फिर से देख ले बच्चों, यहां से देख ले आप, करे पीपीईज आर नॉट अल्टरनेटिव, यानी जो पीपीईज है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, वो विकल्प नहीं है टू किस चीज के,
बेसिक प्रिवेंटिव पब्लिक हेल्थ मेजर, ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स के यानी ऐसे रोकथाम के उपायों के वो विकल्प नहीं है जो उपाय किसके लिए किए गए हैं, पब्लिक हेल्थ, लोगों के स्वास्थ्य के लिए। यानी वो जो पीपीज हैं वो उन उपायों के क्या नहीं है, विकल्प नहीं है। कौन से उपाय, सच एज जो उपाय यानी जैसे हैंड हाइजीन यानी जो हाथों की आपकी सफाई वगैरह है, रेस्पिरेटरी एटेक्स, दूसरों के सामने कफ वगैरह न खांसने की जो मना किया जा रहा है वो सब है, विच मस्ट बी फॉलोड एट ऑल टाइम्स। और इन सब चीजों को हमेशा सबको क्या करना है, फॉलो करना है। किनको, स्पेशली जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। आल्सो इसके अलावा भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो स्वास्थ्य कर्मी हैं आर टू ऑलवेज फॉलो, आर टू या हैव टू, यानी जब सरकार दिशा निर्देश देती है तो वो बी टू का प्रयोग करती है और जब किसी को बाध्य किया जाता है तो हैव टू का प्रयोग करते हैं। आल्सो इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर टू ऑलवेज फॉलो द लेड डाउन प्रोटोकॉल, यानी जो स्थापित परंपराएं हैं मींस दिशा निर्देश हैं उन्हें उन्हें हमेशा क्या करना है, फॉलो करना है, मानना है। फॉर डिस्पोजिंग ऑफ पीपीईज कि किस तरीके से उनको पीपीईज को डिस्पोज ऑफ करना है, मींस हटाना है, एज डिटेल्ड इन इंफेक्शन प्रिवेंशन, जैसा कि डिटेल्ड इन इंफेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल गाइडलाइन, जैसा कि उस इंफेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल गाइडलाइन में डिटेल्ड पूरे विवरण के साथ क्या किया गया है, दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। करें नोटेड द रिलीज, यानी उस रिलीज में यानी सूचना में ऐसा लिखा गया था, इट एडेड दैट, उसमें यह भी जोड़ा गया था दैट कि पेशेंट्स एंड देयर अटेंडेंट्स, कि जो रोगी हैं और जो उनके अटेंडेंस हैं यानी जो उनका उनकी देखभाल कर रहे हैं, आर एनकरेज्ड, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है टू पुट ऑन फेस कवर, कि वो अपने चेहरे पे हमेशा मास्क लगाए रखें, आर एट ऑल टाइम्स, पूरे समय पर। द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज रीइटरेटेड, रीइटरेटेड याद हो गया, दोहराना, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दोहराया है दैट कि इंडिया हैज मेनी पीपल, कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं विद कोविड 19 जो कोविड 19 से पीड़ित हैं, हु आर एक्सपीरियंसिंग ओनली माइल्ड सिम्टम्स, जिनके अंदर केवल माइल्ड सिम्टम्स को देखे रिपीट हो रहे हैं बच्चों ना, जिनके अंदर हल्के लक्षण हैं, एंड दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू, और ये विशेष रूप से सच है एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ द डिजीज, कब, जब डिजीज की शुरुआती अवस्थाएं दिख रही हैं। इट इज देयरफॉर, इसलिए इट इज पॉसिबल, ये संभव है टू कैच कोविड 19 फ्रॉम समवन, कि किसी से आपको हो जाए वो कोविड 19 पकड़ ले, हु हैज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हु हैज जस्ट अ माइल्ड कफ, उसे केवल हल्की सी खांसी आ रही है, एंड डज नॉट फील इल, और उसे कोई वह बीमार महसूस नहीं कर रहा है। इट मीन्स इफ समवन इज सफरिंग बट द सिम्टम्स आर नॉट सीन इवन देन वन शुड बट सेव वन सेल्फ, यानी अगर कोई लक्षण दिख नहीं रहे और वो खांस रहा इधर थोड़ा बहुत माइल्ड कफ आ रही, तो उससे भी बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। द मेन वे, यानी वो मुख्य तरीका, द डिजीज स्प्रेड्स, जिससे ये कोरोना फैल रहा है वो क्या है, इज थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, किसके द्वारा है, कि जब हम सांस ले रहे हैं या कफ कर रहे हैं, जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं यानी जो ड्रॉपलेट्स गिर रही हैं हमारे मुंह से निकल करके, वो मेन चीज है रोग का कारण, एक्सपेल्ड बाय समवन हु इज कफिंग, जो कब निकल रही है, जब कोई कफ कर रहा है मींस खांस रहा है। चीज समझने के बच्चों, समझ सकते हैं और काम भी आएगा आपको। देखें बच्चों, द रिस्क ऑफ कैचिंग कोविड 19 यानी कोविड 19 पकड़ने का जो खतरा है, फ्रॉम समवन, किसी से, विद नो सिम्टम्स एट ऑल, एट ऑल मीन्स थोड़ा सा भी नहीं, यानी जिसके अंदर बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं है, आर लो, उससे कोविड 19 के पकड़ने का खतरा कम है, बट लेकिन द पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट, लेकिन ये संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता, रूल आउट मीन्स
खारिज करना, जब जज किसे उसको सुनवाई में किसी खारिज करता है तो उसे रूल आउट करता है। इट एडेड, उस नोट में यह भी जोड़ा गया था दैट की करेंटली इस समय द मोस्ट कॉमन नोन सिम्टम्स ऑफ कोविड 19, कोविड 19 जो सबसे आम लक्षण है, जाने हुए जो सबसे आम लक्षण है आर, वो हैं क्या है वो, फीवर यानी बुखार हो रहा है, टायर्डनेस थकान महसूस हो रही, एंड ड्राई कफ और सूखी घास आ रही। ये आर किसके लिए आया बच्चों आपको पता है, ये सिम्टम्स के लिए, प्लूरल था इसलिए यहां पर आर लिया गया। सम पेशेंट्स मे हैव एक्स, कुछ मरीजों को मे हैव एक्स एंड पेन्स, उन्हें जोड़ों में दर्द हो सकता है या तकलीफ हो सकती है, नेजल कंजेशन उनकी नाक जाम हो सकती है, रनी नोज या नाक बह सकती है, सोर थ्रोट यानी उनके गले में कष्ट हो सकता है, और डायरिया या फिर डायरिया हो सकता है, डायरिया समझते हैं रोग होता है। दीज सिम्पटम्स ये जो लक्षण है आर यूजली माइल्ड, ये बहुत हल्के होते हैं, एंड बिगिन ग्रेजुअली और धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, धीरे धीरे आरंभ होते हैं। सम पीपल बिकम इन्फेक्टेड, कुछ लोग संक्रमित हो जाते हैं बट लेकिन डोंट डेवलप एनी सिम्टम्स, लेकिन उनके अंदर लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, एंड डोंट फील अनवेल, और वो कुछ खराब भी नहीं महसूस करते, उन्हें कुछ पता भी नहीं चलता है। नोटेड द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ने ऐसा नोट किया देखा। इट हैज सेड, मिनिस्ट्री ने कहा है दैट की इन इंडिया, भारत में मोस्ट पीपल, अधिकतर लोग, यहां पे मोस्ट एडजेक्टिव है बच्चों, कि अधिकतर लोग, वो भी कितने, अबाउट 80%, करीब 80% लोग रिकवर फ्रॉम द डिजीज, इस बीमारी से रिकवर कर जा रहे हैं, मीन सही हो जा रहे हैं, विदाउट नीडिंग स्पेशल ट्रीटमेंट, बिना किसी विशेष इलाज के, बिल्कुल आसान लाइनें कर सकते हैं आप। और ये लास्ट लाइनें हैं आपकी, अराउंड वन आउट ऑफ एवरी सिक्स पीपल, यानी हर छह में से लगभग एक व्यक्ति जो है हु गेट्स कोविड 19, ये हु किसके लिए बच्चों, पीपल के लिए है ना, इसीलिए देखिए यहां पे हु क्या लगाया गया, एक्चुअली यहां पे ग्रामर का एक तरह से आप दूसरा यूज देख सकते हैं, ये हु इन्होंने किसके लिए, अराउंड वन के लिए, जबकि हु यहां पे पीपल के लिए लगना चाहिए था। चलिए देखते हैं बच्चों, करे अराउंड वन आउट ऑफ एवरी सिक्स पीपल, हर छह लोगों में से जो एक व्यक्ति है हु गेट्स कोविड 19, जो कोविड 19 का शिकार बन रहे हैं, ये हु गेट होना चाहिए था, बीकम्स, ये देखिए बीकम्स है आपका अराउंड वन के लिए, वो एक व्यक्ति बीकम्स सीरियसली इल, वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जा रहा है, एंड और डेवलप्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और उसे सांस लेने में क्या हो रही है, परेशानी हो रही है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होना चाहिए था। ओल्डर पीपल, जो उम्र दराज लोग हैं, एंड और दोज, और वो लोग हु आर अंडरलाइंग विद, हु आर विद अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम्स, जो किसी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से परेशान हैं, लाइक हाई ब्लड प्रेशर, जैसे उच्च रक्तदाब, रक्तदाब, हार्ट प्रॉब्लम्स, हृदय से संबंधित बीमारियां, और डायबिटीज या मधुमेह बीमारियां, ऐसे बूढ़े लोग यानी ऐसे उम्र दराज लोग, और वो लोग जो इस प्रकार की बीमारियों से, मतलब बीमारियों से ग्रस्त हैं, आर, ये आर किसके लिए है बच्चों, ओल्डर पीपल एंड दोस के लिए है, आर ऐसे लोग मोर लाइकली टू, लाइकली टू मैंने कहा था संभावना होती है, आर लाइकली टू डेवलप सीरियस इलनेस, उनके अंदर सीरियस इलनेस उत्पन्न होने की अधिक संभावना है। पीपल विद फीवर, ऐसे लोग जिन्हें बुखार हुआ है, कफ यानी खांसी आ रही है, एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे लोग शुड सीक मेडिकल अटेंशन, ऐसे लोगों को स्वास्थ्य यानी हॉस्पिटल्स वगैरह में जाना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। मैंने फास्ट पढ़ा चुके, इजी लाइन थे, आप समझ सकते थे, और ये वर्ड्स देख लीजिएगा आप, मेरा जो ग्रामर टिप है वो देख लीजिएगा, और शाम को 6 से 7 इन पर एक्सरसाइज करना न भूलिएगा, ठीक है।
आज से ही मेरा शाम 7 से 8 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक शुरू हो रहा है, जिसमें आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप उसे टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं या सीधे क्वेश्चंस करना चाहते हैं। जो मेरी सोच है, आप टॉपिक यानी वो चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें और फिर उन पर क्या करें, अपनी एक्सरसाइज करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा, आप उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों शाम को 6 बजे, तब तक के लिए अलविदा।